नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इसी के साथ कहा कि आज विपक्ष 400 सीटें जीतने का दावा दोहराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। बड़े बड़े अपराधी आज चौराहे पर चाउमीन बेचने का काम कर रहे हैं। भाजपा की लगातार बढ़त जा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में जनता ने आगे बढ़कर कमल का फूल खिलाने का संकल्प ले लिया है। यूपी की जनता को पता है कि यदि भाजपा सत्ता में आएगी तो गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अपहरण का उद्योग नहीं चलेगा, बम और तमाचा बनाने की फैक्ट्री भी नहीं चलेंगी। यूपी की जनता को पता है, भाजपा है तो विकास है, रोजगार और सबका साथ और सबका विकास है। सपा गठबंधन का प्रत्याशी हिंदू गर्दी की बात कर रहा है। सपा गठबंधन का सूपड़ा साफ होगा, बसपा और कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं चलेगा। हम प्रदेश के अंदर एक बार फिर 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। इस बार हमारे वोटों की प्रतिशत बढ़ा है। हमने गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश बनाया है। रास्ता यहीं से है, लगाने का काम किया है। कर तो रखी है, दिख तो रही है, आप दिख तो रही है, दिख तो रही है, देख तो ले। मैं सबसे अपील करता हूँ, क्षेत्रों के जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी है उनको कमल के फूल की बटन दबा करके विजयी बना करके भेजे। गुंडागर्दी को सदा सदा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।